भी बढ़ गई। दिल्ली में कोरोना से हालात बिगड़ने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया है। लॉकडाउन आज रात 10 बजे से शुरू होगा और अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाओं में छूट रहेगी। आइए सुनते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते। तो लोगों की शादियाँ संपन्न हों लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हों, उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, ये छोटा सा लॉकडाउन है 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है, दिल्ली में रहिए। दिल्ली में रहिए कहते हैं अरविंद केजरीवाल, मिनी लॉकडाउन है, आपकी जीविका को आघात पहुंचा है लेकिन आपकी लापरवाही की वजह से, मेरी और आपकी लापरवाही की वजह से ये संक्रमण बढ़ा है, ये हमें याद रखने की जरूरत है। रवि सिंह और जावेद मंसूरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, जहां पर आप हैं वहां लोगों की चिंताएं दूसरी हैं, वो अपने अपने क्वार्टर के टॉपअप में लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए प्राथमिकताएं लोगों के यहाँ पर क्या है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आनंद विहार में हमारी मौजूदगी है और तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरह से लंबी लंबी लाइंस लगी हुई हैं। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए, भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लॉकडाउन का ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया, लेकिन जैसे ऐलान किया लोग यहाँ पर किस तरह से पहुंच गए हैं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप खुद सोशल डिस्टेंसिंग, जिस 2 गज की दूरी की बात की जाती है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। बताइए भाई साहब, दूरी आप कैमरे को देखकर दिखा रहे हैं लेकिन खतरा आपको, डर लगता है कोरोना से? बिल्कुल लगता है कोरोना से, डर लॉकडाउन के डर की वजह से अब पहुंचे आप खरीदने? नहीं, लॉकडाउन नहीं, मैं तो ऐसे ही अपने आज के लिए लेने आया था। अच्छा, आप बताइए कि लॉकडाउन लगने जा रहा है इसलिए पहुंचे? और अरे नहीं, हम तो इसी टाइम आते ही, देखिए अब ये कह रहे हैं कि ऐसे आते हैं लेकिन आमतौर पर इस तरह वो इसी टाइम सोमवार को दोपहर को 1 बजे डेली पीते हैं जावेद मंसूरी, वो आपको कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये यहाँ पर तस्वीर, आप बताइए कुछ कहना चाहेंगे? भीड़ लग रही है यहाँ पर, लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। भीड़ तो लगेगी, सख्ती होनी चाहिए, बस सख्ती होनी चाहिए। किस बात की? डिस्टेंसिंग तो हो नहीं रही है, इससे खतरा नहीं आपको? खतरा तो है जी, अब क्या करें? देखिए कह रहे हैं अब क्या करें, तो ये अप्रोच है लोगों का, ये सोच है। उस कोरोना के खतरे के बीच जब दिल्ली में 25,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, 30% संक्रमण दर है और जैसे ही लॉकडाउन का ऐलान होता है तो यहाँ पर भीड़ लग जाती है। जी, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुर आए, यही बात हो गई। लोग कह रहे हैं क्या करें और खुद लगे हुए भीड़ में, खुद धक्का मुक्की कर रहे हैं। रवि सिंह, आप कहाँ पर हैं बताइए? दिल्ली में इस तरह से लापरवाही चलती रही तो लॉकडाउन की अवधि बढ़ेगी, लोगों की आजीविका पर आघात पहुंचेगा, लेकिन क्या लोग लापरवाह हो रहे हैं? लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है? आनंद, लापरवाह तो हो रहे हैं, लापरवाह हो रहे हैं और यही वजह है कि लॉकडाउन की नौबत आई। पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था वो नई बीमारी की वजह से लगा था और नई चीजें सरकार को करनी थी और समझनी थी, मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेड की संख्या बढ़ानी थी, अस्पतालों को दुरुस्त करना था, कोविड डेडिकेटेड अस्पताल खोलने थे, इसलिए लॉकडाउन लगा था। लेकिन 1 साल के बाद अगर बैक टू बेसिक पे जा रहे हैं तो कहीं कहीं सरकार की लापरवाही तो है लेकिन जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी है। तो आप देखिए लॉकडाउन का जैसे ही सरकार ने ऐलान किया दिल्ली में लोग लंबी लाइन में खड़े हो गए और वो राशन की दुकान पे नहीं,
कहां पर खड़े हो, जावेद खुद बता रहे हैं कि किस जगह पर वो खड़े होकर लंबी लाइनों में लगे हुए हैं और किस लिए खड़े हैं, क्योंकि पूरे एक हफ्ते का उनका इंतजाम करना है। राशन के इंतजाम की उतना ज्यादा चिंता नहीं है, दूसरे इंतजाम की ज्यादा उनको चिंता है, और यही वजह है कि एक हफ्ते का लॉकडाउन लगना पड़ा और इसका भुगतान जो है उन लोगों को करना पड़ेगा जो बेहद ही गरीब तबका है, जो पर डे के हिसाब से उनको रोज ही मिलती है, जो पर डे के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। रवि, जो पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्या वो लापरवाह नहीं हो रहे हैं? क्यों किसी के लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया की जाए जब आप अपने आप को शराब की लाइनों के सामने खड़े होकर पूरी जनता को देख रहे हैं? स्वास्थ्य नहीं, शराब इंपॉर्टेंट हो गई है, तो किस बात की सुविधाएं मुहैया की जाए? अगर आप खुद लापरवाह होने वाले हैं तो भुगतिए, किसी को दोष मत दीजिए। ये भी तो रवैया हो सकता है, लोगों की गलती है जिसकी वजह से संक्रमण फैला है। क्यों कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं किया जा रहा, क्यों मास्क नहीं लगाया जा रहा? अभी भी जहां जावेद खड़े हैं वहां लोग ऐसे हैं जहां दाढ़ी में मास्क लगा के खड़े हुए हैं, लाइन पर कैमरा घूमता है तो फिर मास्क ऊपर कर लेते हैं, या फिर मुंह पे मास्क लगाया नाक खुली छोड़ दी है। अब ऐसे केसेस में कल इनको बीमारी हो गई तो फिर ये किसको दोष देंगे? खुद हमारी जिम्मेदारी का क्या, ये सवाल पूछना क्या गलत है? रवि, आनंद, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि आखिर में ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, आम पब्लिक की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आम पब्लिक को खुद ही कॉन्शियस होना पड़ेगा, उनको जागरूक होना पड़ेगा। एक साल का समय हो गया, बार बार अपील की जाती रही है सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्रियों की तरफ से। रवि, एक सेकंड रुकिए, मैं जरा वापस जावेद के पास जाना चाहता हूँ। जावेद, आप जरा उन लोगों से पूछिए जो वहाँ शराब की लाइनों में खड़े हुए हैं, क्या उनके लिए प्राथमिकता शराब है? उनको पूछिए, उनके घर में घर के जिम्मेदारी के अगले 6 दिन का लॉकडाउन है तो क्या पैसा वो शराब में जाकर लगाने वाले हैं? ये उनकी प्रायोरिटी है, भीड़ लगा रखी है। अगर उनकी वजह से कल उनके घर में कोई बीमार हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी वो किसको बोलेंगे जिम्मेदारी? देखिए, बिल्कुल हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर लोगों की प्राथमिकता है क्या है। आप तस्वीरों में देखिए कितनी जद्दोजहद यहाँ पर दिखाई दे रही है, लॉकडाउन लग गया है। यहाँ बताइए कि जिस खतरे के साथ आप यहाँ लेने पहुंचे हैं, अगर कोई बीमार हो जाएगा क्या उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो मेरी आपकी प्राथमिकता है क्या है? मेरी प्राथमिकता दारू पीने। देखिए कितनी बिंदास हो गए, कह रहे हैं कि इनकी प्राथमिकता क्या है। देखिए, और मैं आपको लाइन लगी हुई जो है वो दिखाऊं कितनी लंबी लाइन है। अब सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ पालन हो रहा है क्योंकि पुलिसकर्मी यहाँ पर आए थे। आप बताइए, कोई खतरा आपको नजर आता है? हाँ, ये उसका नवरात्रि का प्रसाद बट रहा है, जब तो इतनी भीड़ है। अच्छा, नवरात्रि का प्रसाद बट रहा है, जरा चेहरा दिखाइए, पूछे उनका नाम, पूछिए एक रहने वाले कहाँ के हैं, उनके घर में कितने लोग हैं, घर में माँ बाप भाई बहन है कि नहीं, माता पिता है कि नहीं, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, घर वालों को खतरे में डाल रहे हैं आप? इससे खतरा है? कोई तो कहता है अल्कोहल या सैनिटाइजर की यूज किया जाता, अल्कोहल ही उसमें, तो ये तो दारू अल्कोहल। ये बड़ी हास्यास्पद दलीलें हैं, और देखिए किस तरह से लोग अपना इंतजाम यहाँ पर कर रहे हैं, बैग ले लेकर पहुंचे हैं। अरे वो जो कहाँ से आया आप? आपको नहीं लगता इतना खतरा उठा के आए आप? भाई साहब, इसके बिना सैनिटाइज कैसे करेंगे? किसको सैनिटाइज करने वाले हैं? खतरा है, किसको सैनिटाइज?